और अब खबर अयोध्या से है। रमजान के आखिरी महीने जुमे की नमाज को अलविदा की नमाज कहा जाता है और अयोध्या में अलविदा की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच में पढ़ी गई। अलग अलग समय पर सभी मस्जिदों में अलविदा नमाज पढ़ी गई। पहली नमाज दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई जो आखिरी 2:30 पर समाप्त हुई। वहीं जमा मस्जिद टाट शहर के इमाम शमशुल कमर ने बताया कि रमजान शरीफ का आखिरी जुम्मा है, इसलिए इसको जुमातुल अलविदा के नाम से जाना जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन लोग दूर दराज से आते हैं और एकत्रित होकर सभी लोग अलविदा की नमाज अदा करते हैं, अपने रब से देश में अमन चैन और सुकून और देश की खुशहाली की दुआ मांगते हैं। السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. आज रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा है जिसे मुसलमानों के दरमियान जुमातुल अलविदा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन खुसूसी तौर पर मुसलमान चूँकि माहे रमज़ान शरीफ को जुमा के ज़रिए अलविदा कह रहे होते हैं, इसलिए रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा होने के नाते लोग खुसूसी एहतमाम करते हैं और अपने रब की बारगाह में खुसूसी दुआ करते हैं। आज चूँकि मखसूस दिन है और जुमा का दिन जो हफ्ते में एक बार तशरीफ लाता है, वैसे भी मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम और महत्वपूर्ण दिन होता है जिसमें दूर दराज के मुसलमान जमा होकर के एक साथ इबादत करते हैं और अपने रब की बारगाह में दुआ करते हैं। और आज के दिन खुसूसी तौर पर हम लोगों का बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का ये तर्ज अमल है कि रमज़ान शरीफ में जो भी नेकियाँ की हैं उसकी कबूलियत के ताल्लुक से रब की बारगाह में आज खुसूसी अहतमाम किया जाता है और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आने वाले वक्तों को हमारे लिए, आलम इंसानियत के लिए, हमारे वतन हिंदुस्तान के लिए और सारे लोगों के लिए अल्लाह ताला बेहतरी का सामान पैदा करेगा। की नमाज है टाट साहब मस्जिद और शहर की अन्य मस्जिदों में भी नमाज जो है सम्पन्न हो रही है। अभी टाट साहब मस्जिद में नमाज संपन्न हुई है सभी मस्जिद पे और आने जाने वाले रास्तों में मोबाइल पार्टियां हैं, मस्जिदों पर पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है, सादे वस्त्रों में भी है और सभी अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सभी लोग मोबाइल में हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था है और सभी सौहार्दपूर्वक और वातावरण में नमाज सम्पन्न हो रही है।